उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना की चर्चा इस समय सुर्खियों में है। इस मुद्दे पर मीडिया में डिबेट भी देखने को मिली। आज की वीडियो में बात उन्हीं कुछ डिबेट्स की करते हैं जिन डिबेट में विपक्षी बीजेपी के प्रवक्ता से तीखे सवाल कर रहे हैं और मीडिया एंकर भी बीजेपी नेता से ही सवाल कर रहे हैं, जो कि अक्सर कम होता दिखाई देता है। आज तक पर लखीमपुर खीरी की घटना पर हुई डिबेट में किसान नेता ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी प्रवक्ता ने उन्हें बीच में टोकना शुरू किया, जिसके बाद एंकर ने भी बीजेपी प्रवक्ता को अपने सवालों में घेर लिया। आप भरताने का काम कर रहे हैं चौधरी पुष्पेंद्र जी, किसानों के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए, किसानों के प्रति पूरी संवेदना, इस पूरे मामले में न्याय होना चाहिए चौधरी। मैं चित्रा जी, मेरा बहुत विनम्रता से अनुरोध है, चित्रा जी मेरा अनुरोध है, ये इस प्रकार की भड़काऊ भाषा बोलने पर इनको रोक लगाइए, क्योंकि इस प्रकार के संवेदनशील मसले पर इस प्रकार के बयान आपके भी नेताओं की ओर से भड़काऊ बयान दिया जाता है, तो उनको भी तो कहिए कि वो चुप रहें। भड़काने वाला बयान किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती है, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी, किसी को इजाजत नहीं होती है। मैं बिल्कुल इस बात के साथ सहमत हूँ, लेकिन मैं इस मसले को लेकर के इस प्रकार की बात चौधरी पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, क्या चौधरी पुष्पेंद्र जी के पास इस बात की एविडेंस है कि क्या गाड़ी से कुचल करके लोगों को मारा गया इंटेंशनली? क्या इस बात की इनके पास एविडेंस है? आज इस प्रकार के अलग अलग वीडियो, अलग अलग प्रकार के वीडियो मीडिया में जो सर्कुलेट हो रहे हैं, उसे ये भी दिखाई। न्यूज 18 पर हुई डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने जवाब देने शुरू किया, जिसके बाद विपक्षी नेता ने उन्हें बीच में टोका, पर एंकर ने भी बीजेपी प्रवक्ता को ही टोका और सही से जवाब देने को कहा। 370 पर इमरान खान और राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, और आज आपकी किसान राजनीति ना, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप जो है उनको नहीं रोक रहे, क्योंकि नहीं, मैं उनको भी रोक रहा हूँ, मैं आपको भी बोलने के लिए दे रहा हूँ। देखिए शलभ, मेरे पे आरोप लगा के कुछ नहीं होगा, आप अपने वक्तव्य को रखिए। उन्होंने बीच में बोला मैंने उनको रोका, तीन बार ही रोका, लेकिन वो भी अपनी बात को रखने का उनको भी हक है, ठीक है? आप अपनी बात को 30 सेकंड में रख लिए, आप सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या लोकतंत्र नहीं है जो सवाल पूछा जा रहा है, उस सवाल से पलट के आप 370 पे जा रहे हैं। जब वो बोल रही थी और बुजुर्ग किसान नेता बीच में टोक रहे थे, तो उनको अपमानित करके उनको चुप करा दिया गया, कि अपने अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को वहां से भेजने लगे। हुड्डा साहब भी चले आए, प्रियंका वाड्रा भी चली आई, किसान की बेटी जो कांस्टेबल है उसको अपमानित किया, कौन कर रहा है ये सब, कौन इसकी प्रतीक्षा कर रहा था? अखिलेश यादव भी तो थे, अखिलेश यादव तो यूपी में ही थे, अखिलेश यादव को तो घर से निकाल दिया गया। उन पर भी आ रहा हूँ। आज तक पर हुई डिबेट में एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता ने विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठाना शुरू किया, जिसके बाद एंकर ने उन्हें अपनी पार्टी को लेकर जवाब देने को कहा। शलभमणि जी, विपक्षी नेताओं के वहां जाने से सरकार इतना क्यों डर गई, क्यों रोक दिया सबको? नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि ये सवाल आप पूछ रही हैं, मैं समझ सकता हूं कि आज ये डिबेट है तो पूछेंगी, लेकिन आपको भी पता है कि विपक्षी नेता वहां क्या करने जा रहे थे, वहां जाते वहां किस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आज ही राजस्थान में हनुमानगढ़ है, जमकर लाठियां चली वहां पर किसानों पर, महिलाओं पर, वहां भी जाना चाहिए। जो विपक्षी नेता है, आप भी तो जाते थे सर, घटनाएं होती थी, तो क्या आपकी पार्टी का कोई नेता जाता नहीं था कहीं पर, फिर आप उनको क्यों रोक रहे हैं? जो घटना हुई है, मैं फिर कहता हूँ, घटना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप जरा पीछे जाइए ना, कौन से ऐसे लोग थे जो लगातार ये चाहते थे कि आंदोलन अपने खूनी अंजाम तक पहुंचे? 26 जनवरी और उसके बाद उसको लाल किला 2 कह रहे हैं, आखिर आपकी सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? आंदोलनकारी किसानों को आप हमेशा कहते हैं ये 1% 2% है, हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे, ये कोशिश, ये पहल तो आपको करनी पड़ेगी ना, आप सरकार है। 26 जनवरी के बाद एक बार भी सरकार के साथ बातचीत नहीं हुई है किसानों की, क्यों? न्यूज नेशन पर हुई डिबेट में एंकर ने विपक्षी प्रवक्ता से सवाल किया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने टोकना शुरू किया, जिसके बाद विपक्षी प्रवक्ता ने बीजेपी प्रवक्ता की क्लास ही लगा दी। क्या इस घटना को टाला नहीं जा सकता था? आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खासतौर पर सांसद और जो वहाँ के लोकल सांसद और मंत्री के बेटे ने, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, क्या हकीकत है इसकी? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है, और इस घटना पर किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में माहौल को खराब करने की ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। मेरा सीधा सवाल है आनंद जी, मुझे बताइए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने क्या किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, हाँ या नहीं? सीधा जवाब दीजिए ना, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? हमको भी पता है गंभीर है, हमको भी पता है ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और अगर चुनाव है तो राजनीतिकरण होगा। मैं इधर उधर नहीं, दीपक जी देखिए, यही मैंने कहा कि यह जांच का विषय है कि गाड़ी चढ़ाई गई या क्या हुआ उस घटना में। देखिए अभी हम कुछ कह दें और कल की डेट में जांच में कुछ अलग चीजें आए तो वो ठीक नहीं है।
इंडिया टीवी पर हुई डिबेट में एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान पर बीजेपी सरकार का पक्ष रखने को कहा, जिस पर प्रवक्ता ने बात को गोलमोल घुमाने की कोशिश की, जिस पर एंकर ने उन्हें सुना दिया। क्या हरियाणा में जिस तरह का अप्रोच है, ये माइंडसेट है, क्या ये सरकारों का माइंडसेट है कि किसानों पर इस तरह का व्यवहार या अत्याचार किया जाएगा? अगर कोई दांत तोड़े तो आप उसकी आंख फोड़ दो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, लगातार मैं अपने बारे में तो जरूर कह सकती हूँ, मैं अधिकृत तक प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, कभी भी किसानों के विषय में कभी भी गलत नहीं बोला गया। फिक्स माइंडसेट से आपको नहीं बैठना होगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के बयान पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? आनी चाहिए थी ना जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब की जो पूरी भाषण है, जो पूरी बातचीत है, उस पर क्या स्टैंड है आपका? क्या वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? कि कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे खादी हो चाहे खाकी हो। यहाँ कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, ये मैंने शुरुआत में। खट्टर साहब गलत कह रहे हैं फिर? अगर मैं आपको सही समझ रहा हूँ तो खट्टर साहब पर आप स्पष्ट कर दीजिए ना, खट्टर साहब के बयान से के साथ क्या आप खड़ी हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी खट्टर साहब के बयान के साथ खड़ी है कि अगर कोई आए तो उसको मुंह तोड़ जवाब दो, जैसा कहता ऐसा जवाब दो? ये बयान सही है उनका, गलत है? आप इस वीडियो पर जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।